गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में अपने बात की थी आंवले की खेती के बारे में। आज हम इस सेशन में बात करेंगे अनार की खेती, कल्टीवेशन ऑफ पोमेग्रेनेट। अनार का वैज्ञानिक नाम पुनिका ग्रेनेंटम होता है, पुनिका ग्रेनेंटम होता है। अनार का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पुनिका ग्रेनेंटम। इसका कुल होता है पुनिकेसी। इसका कुल क्या होता है? पुनिकेसी। इसका उत्पत्ति स्थल है ईरान। कुल है इसका पुनिकेसी और इसका उत्पत्ति स्थल है ईरान। गुणसूत्र संख्या की बात करें तो 2n बराबर 16 भी होती है और 18 भी होती है। देखो, गुणसूत्र संख्या के बारे में एक चीज ध्यान में रखनी है कि इसका जो गुणसूत्र संख्या है ये किसके द्वारा दी गई थी? स्मिथ नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। स्मिथ के द्वारा दी गई थी सन 1976 में। कब दी गई थी? सन 1976 में स्मिथ ने बताया था कि अनार में गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 16 होती है या 18 होती है। बात करते हैं इसके खाए जाने वाले भाग की। तो अनार में आपने देखा होगा खाए जाने वाला बीज होते हैं अंदर लाल रंग के, जिनके अंदर जूस भरा रहता है। खाए जाने वाले भाग को एरिल बोलते हैं। आपको याद जैसे मैं बता रहा हूं उस प्रकार रखना, एरिल या जूसी सीड कोट, बीजावरण। सीड कोट का मतलब होता है बीज का आवरण। ये खाए जाने वाला भाग है इसका। इसका फल का प्रकार क्या है? फल का प्रकार बालुष्टा है, बालुष्टा सरस। इसका फल का प्रकार होता है बालुष्टा बेरी बोलते हैं इंग्लिश में। बालुष्टा बेरी। बात करते हैं इसके पुष्पक्रम की। जो इसके पुष्पक्रम को हाई पेंथोडियम बोला जाता है, हाई पेंथोडियम कहा जाता है। अनार के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? हाई पेंथोडियम कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें अपन, इसमें अम्ल कौन सा पाया जाता है? तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको H2SO4 बोलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा कितनी पाई जाती है? 0.75 से 1.50%, लगभग 1.5% तक तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। TSS की बात करें तो इसमें TSS 15 से 20% होता है। इसके फल में TSS कितना होता है? 15 से 20% होता है। बात करते हैं इसके उत्पादन की। विश्व में इसका उत्पादन कहाँ सर्वाधिक होता है? भारत में इसका उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है और राजस्थान में इसका उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो देखो, विश्व में जो इसका उत्पादन होता है सर्वाधिक, वो सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। और बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है बाड़मेर जिले में। कहाँ होता है? बाड़मेर जिले में। ये बात हो गई इसके उत्पादन की। तो इसका उत्पादन विश्व में होता है भारत में सबसे ज्यादा। भारत में जो इसका उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र राज्य में होता है और राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर में होता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी जलवायु के बारे में। देखो, जो अनार है, अनार एक सूखा सहनशील फसल है। सूखा, बहुत ज्यादा सूखा सहन कर सकता है। कम पानी वाले इलाके में जैसे अपने राजस्थान है, जहां पर पानी की कमी है, इन क्षेत्रों में इसकी खेती आराम से अच्छे तौर पर की जा सकती है। तो इसका इसके पढ़ते हैं जलवायु। जलवायु में देखो क्या है, उपोष्ण जलवायु इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। उपोष्ण जलवायु इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है मृदा। गहरी दोमट मृदा, गहरी दोमट मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। कौन सी मृदा? गहरी दोमट मृदा सर सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस्में। देखो, किस्में सभी फलों की ध्यान में रखनी है। किस्मों के नाम आपको याद रखते जाने हैं, क्योंकि किस्में यदि लगातार पढ़ोगे तभी इनके नाम याद होंगे। किस्मों से रिलेटेड जेड में क्वेश्चन आते हैं। इसकी किस्में कौन कौन सी है वो मैं बता देता हूं आपको। गणेश, जालोर सीडलेस सूखा सहनशील किस्म,
जालोर सीडलेस के आगे लिख लेना ब्रैकेट में सूखा सहनशील किस्म, सूखा सहनशील किस्म, सूखे को सहन कर सकती है किस्म। क्या है? गणेश, जालोर सीडलेस, मृदुला, जोधपुर रेड, जोधपुर रेड, फिर है जी 137, जी 137, मस्कट, कंदारी, जी 137, मस्कट, कंदारी, ज्योति, वंडर, ज्योति, वंडर, एक किस्म है भगवान, भगवान किस्म के बारे में अपने को लिखना है कि जो भगवान किस्म है उसकी बीजावरण का रंग गहरा लाल होता है, बीजावरण गहरा लाल रंग वाला होता है, गहरे लाल रंग वाला, लाल रंग वाला होता है, इसका जो बीजावरण होता है वो गहरे लाल रंग का होता है, इसलिए ध्यान में रखना है। पूछा जाता है जेट में कि कौन सी ऐसी किस्म है जिसका बीजावरण गहरे लाल रंग का होता है, तो वो होगा भगवान किस्म का बीजावरण होगा। एक इसकी संकर किस्म है अमली दाना, इंपॉर्टेंट, अमली दाना, ये एक संकर किस्म है। किस किस किस्म के संकरण से बनी है? गणेश और नन्ना, एक नन्ना किस्म है और एक गणेश किस्म है, इन दोनों के संकरण से अमली दाना किस्म बनी है। IIHR जो संस्थान है, मैंने कल बताया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, बेंगलुरु में है ये, इस संस्थान के द्वारा ये किस्म विकसित की गई है, गणेश और नन्ना अमली दाना। ये इस किस्म की विशेषता क्या है? ये एक बोनी किस्म है, बोनी किस्म, और सघन रोपण हेतु उपयुक्त होती है, सघन रोपण हेतु उपयुक्त होती है। ध्यान रखना है अमली दाना किस्म किसकी है? अनार की ऐसी किस्म है, संकर किस्म है, जिसका संकरण गणेश और नन्ना किस्म के द्वारा किया गया है। IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु के द्वारा ये किस्म विकसित की गई है। इस किस्म की विशेषता है कि ये बोनी किस्म है, पौधे छोटे आकार के होते हैं, इसका मतलब प्रति हेक्टेयर अपन पौधे ज्यादा लगा सकते हैं, ज्यादा लगाएंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? सघन रोपण हो जाएगा, इसलिए सघन रोपण के लिए उपयुक्त भी ये किस्म है। ठीक है, एक किस्म इसकी एक और होती है, क्रिकेट बॉल, अलग से लिख लेना, क्रिकेट बॉल किस्म। पूछा जाता है क्रिकेट बॉल किस्म किसकी है? क्रिकेट बॉल किस्म किसकी है? तो क्रिकेट बॉल किस्म की किसकी है? अनार की किस्म है क्रिकेट बॉल, इंपॉर्टेंट किस्म है, कठोर किस्म है, ये कठोर होता है, जिसका आवरण होता है वो कठोर होती है, कठोर वेराइटी है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्रिकेट बॉल एक कठोर किस्म है। क्लियर है, ये थी इसकी किस्में। अब अपन बात करें आगे इसके प्रवर्धन की। प्रवर्धन की दो विधियां हैं, कलम द्वारा, जैसे अपन ने अंगूर में पढ़ा था कलम के द्वारा, अंगूर में कठोर कास्ट है, कलम के द्वारा उसका प्रवर्धन कर रहे थे, उसी प्रकार इसमें भी कलम द्वारा भी होता है, और एक विधि होती है गुट्टी दाब विधि। दाब विधि का एक प्रकार है एयर लेयरिंग। देखो प्रवर्धन, प्रवर्धन में ध्यान में रखना है कि प्रवर्धन दो विधियों द्वारा किया जाता है। कौन कौन सी विधि है? कलम द्वारा वह दाब, सॉरी गुट्टी दाब, एयर लेयरिंग, कटिंग एंड एयर लेयरिंग। देखो कलम में मैंने कल बताया था कि 30 सेंटीमीटर वाली शाखा का टुकड़ा लेंगे, उसको अच्छी पोषक तत्व युक्त मिट्टी में डालेंगे और उसको निश्चित समय के अनुसार उसमें जड़ें विकसित हो जाएगी, जड़ें विकसित होने के उपरांत उसमें उसको नई जगह पर लगा देंगे। देखो कलम जो होती है, देखो इस प्रकार होता है, ये मान लो कलम का टुकड़ा है, कोई शाखा का टुकड़ा है 30 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई है, ये कलम है। ठीक है, ये कलम है, क्या करना है? इस कलम का जो नीचे का भाग है उसमें शीघ्र जड़ें उत्पन्न करने के लिए, शीघ्र जड़ें विकसित करने के लिए, विकसित करने के लिए, जल्दी जड़ें विकसित करने के लिए क्या करेंगे इसमें? इसमें आईबीए जो आता है, ऑक्सीजन का एक प्रकार है आईबीए,
आईबी की फुल फॉर्म होती है इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक अम्ल या एसिड आईबीए, एक ऑक्सीन का प्रकार है जो पादपवर्धी हार्मोन के अंतर्गत आता है। इसके द्वारा इसके जो नीचे वाला भाग है इसको उपचारित किया जाता है। क्या किया जाता है, आईबीए का घोल बनाएंगे अपन किसी पात्र में, उस पात्र में घोल बना के इस कलम को उसके अंदर रख दिया जाता है कुछ समय के लिए, जिससे इसका नीचे वाला भाग उपचारित हो जाता है। फिर इस भाग को यदि दूसरी जगह लगाते हैं तो यहाँ से जड़ें शीघ्र विकसित होती है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि जड़ों को शीघ्र विकसित करने के लिए कौन सा हार्मोन काम में लिया जाता है, तो वो कौन सा होगा, आईबीए इंडोल ब्यूटारिक एसिड। क्लियर। फिर बात करते हैं इसमें गुट्टी दाब या एयर लेयरिंग किस प्रकार किया जाता है। देखो दाब की एक विधि है ये, लेयरिंग एक वनस्पतिक प्रवर्धन की विधि है, और लेयरिंग की विधि के अंतर्गत ही आता है गुट्टी दाब। गुट्टी दाब एक इंपॉर्टेंट विधि होता है क्या, इसमें जो पौधा होता है, जैसे मान लो ये पौधा है, ये कोई पौधा है, आगे आगे भी इसमें शाखाएं निकली हुई है ऊपर इस प्रकार, ठीक है, यहां पर भी कोई शाखा निकली हुई है। ऐसे पौधे की जो ऊपरी शाखा होती है, पौधे की जो कोई शाखा होती है, शाखा के ऊपर अपन क्या करेंगे 2.5 सेंटीमीटर छाल उतारेंगे, जो शाखा की 2.5 सेंटीमीटर छाल उतारेंगे इस प्रकार। शाखा के ऊपर जो हरे रंग की छाल होती है, कितनी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर छाल उतार लेंगे। यहां से छाल उतार ली, छाल उतारने के बाद में ये प्रकार बन गया। अब क्या करेंगे, जो पोषक तत्व युक्त मिट्टी है उसको नम करके, उसको पूरा गीला करके इसके ऊपर लपेट दिया जाता है इस प्रकार, पूरा लपेट देंगे इसके ऊपर। ठीक है, इसको लपेट के, ये पूरा लपेट दिया इसके ऊपर। अब इसको प्लास्टिक, जो पारदर्शी प्लास्टिक होती है जिसमें आर पार देख सकते हैं, उस प्लास्टिक से इसको कवर कर दिया जाता है, इसको बांध देते हैं इस प्रकार करके। ये जैसे प्लास्टिक का कोई टुकड़ा था, इसको अपन ने यहां से बांध दिया, ठीक है, यहां से यहां पर भी बांध के इसको कठोर कर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद अपन देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जड़ें निकलती है, जो कटावा भाग है वहां से जड़ें निकलेगी, जो जड़ें, जब जड़ें निकलेगी तो अपने को यहाँ पर बाहर की ओर जो पारदर्शी अपन ने थैली लगाई थी उस थैली में दिख जाएगी। यदि ये जड़ें विकसित हो जाती है तो इसको, इस भाग को यहाँ से काट के इतने इतने भाग को दूसरी जगह लगाएंगे तो सेम किस्म का प्लांट तैयार हो जाएगा, इसको बोलते हैं गुट्टी दाब विधि। क्लियर। नेक्स्ट अपने बात करें इसमें इसका पौधे लगाने का समय, पौधे लगाने की विधि क्या होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पौधे लगाने की विधि, पौधे लगाने की विधि, नेक्स्ट पॉइंट पौधे लगाने की विधि। देखो पौधे लगाने की विधि में अपन पौधे लगाने का समय देखते हैं, पौधे से पौधे की दूरी देखते हैं, गड्ढों का आकार, प्रति गड्ढा कितने कितने खादें उर्वरक की मात्रा मिलाई जाती है, वो चीजें देखते हैं। तो अपन क्या करते हैं पौधे लगाने के समय में, जो पौधे लगाने का उचित समय होगा इसका, वो समय क्या रहेगा, जुलाई अगस्त ही समय रहेगा, वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त। ठीक है, पौधे पी इंटू पी जो दूरी रहेगी वो 5x5 मीटर रहेगी, इसमें कितनी रहेगी पौधे से पौधे की दूरी 5x5 मीटर रहेगी। इसमें बात करें गड्ढे का आकार, गड्ढे का आकार, तो गड्ढे का आकार 60x60x60 सेंटीमीटर का रखा जाता है। गड्ढे का आकार कितना रहेंगे, 60x60x60 सेंटीमीटर गड्ढे का आकार रखेंगे। इसमें जो प्रति गड्ढा जब खाद एवं उर्वरक डाला जाता है, प्रति गड्ढा कितना कितना खाद एवं उर्वरक डाला जाता है वो देख लो, 15 से 20 किलो FYM गोबर की खाद, ठीक है, फार्म यार्ड मेन्योर, FYM का मतलब होता है फार्म यार्ड मेन्योर, ठीक है, 500 ग्राम सुपर फास्फेट जो फास्फोरस उपलब्ध करवाता है, तथा 50 से 100 ग्राम वही चीज क्विनाल्फोस का जो चूर्ण होता है वो काम में लेते हैं 50 से 100 ग्राम। ये जो तीनों उर्वरक है, ये तीनों जो एक एक गोबरी खाद है, फिर सुपर फास्फेट, फिर क्विनाल्फोस, एक कीटनाशी है, इन तीनों को
मिट्टी के साथ मिला के गड्ढा भर दिया जाता है। गड्ढा भरने के उपरांत जुलाई अगस्त के महीने में मतलब वर्षा ऋतु के समय इसके पौधे लगा दिए जाते हैं। जो गड्ढों की आकार रखा जाता है वो 60x60x60 सेंटीमीटर रखा जाता है। P2P जो दूरी रहेगी, गड्ढे से गड्ढे की दूरी या पौधे से पौधे की दूरी रहेगी, वो 5x5 मीटर रखी जाती है। ठीक है, अगला बात करें अपन इसकी सिंचाई के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग रहेगा सिंचाई और अंतरासस्य। नेक्स्ट रहेगा सिंचाई। देखो इसमें मैंने पहले बताया था कि सूखा सहनशील फसल है, सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता होती है, परंतु अपने को यदि अधिक उत्पादन लेना है तो नियमित रूप से अपने को नियमित अंतराल पर इसमें सिंचाई करनी पड़ेगी। ग्रीष्मकालीन दिनों में, गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में 7 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते हैं। 60 से 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते हैं। जो शीत ऋतु होती है, सर्दी ऋतु होती है, उसमें 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में अंगूर की किस किस्म को सर्वाधिक बोया जाता है। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में अनार की किस किस्म को सर्वाधिक बोया जाता है, उसमें लिख लेना सिंदूरी किस्म है, अलग से लिख लेना सिंदूरी किस्म। अपने राजस्थान में लगभग कई जिलों में बोया जाता है इसको, सिंदूरी किस्म, अनार की किस्म है सिंदूरी किस्म, जिसको अपने शेखावाटी क्षेत्र में ज्यादा बोते हैं। देखो सिंचाई के लिए इसमें कौन सी विधि काम में लेते हैं, बूंद बूंद सिंचाई विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। बूंद बूंद सिंचाई विधि सर्वाधिक सबसे अच्छी और बेस्ट मानी जाती है। बात करते हैं अंतरासस्य की। अंतरासस्य मतलब बीच में जो फसलें उगाते हैं। देखो इसमें भी वही बात है कि प्रारंभिक तीन चार वर्षों तक सब्जियां उगाते हैं, क्योंकि प्रारंभिक तीन चार वर्षों तक इसमें क्या होता है, फलन नहीं होता। प्रारंभिक तीन चार वर्षों तक इसमें सब्जियां उगाते हैं। सब्जियों में कई प्रकार की सब्जियां, जैसे दलहनी सब्जियां, कुकुरबिटेसी कुल वाली सब्जियां, कुष्मांड कुल भी बोलते हैं इसको, कुकुरबिटेसी या कुष्मांड कुल। कुकुरबिटेसी कुल में तरबूज, खरबूज, खीरा, लौकी, तोरई, कद्दू, ये सारी सब्जियां आती है। दलहनी में जो जैसे गवार है, गवार फली है, मूंग है, मोठ है, मोठ की फली होती है, जो ये सारी सब्जियां उगाकर अपन इसका उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा अपन इसमें टमाटर भी उगा सकते हैं, भिंडी भी उगा सकते हैं, बैंगन भी उगा सकते हैं। ये उगा के अतिरिक्त आय प्राप्त की जाती है प्रारंभ के वर्षों में। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग रहेगा अपना, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका, नेक्स्ट टॉपिक है संधाई व काट छाट। संधाई वे कांट छाट। देखो संधाई व कांट छाट में बार बार मैं बता चुका हूं कि संधाई में अपन पौधे को निश्चित आकार देते हैं, कांट छाट करके पौधे को प्रारंभिक वर्षों में निश्चित आकार दिया जाता है। कांट छाट में क्या होगा, जब फलन देता है, जब फल देता है पौधा, उस टाइम सूखी रोगग्रस्त शाखाएं या कोई अनावश्यक रूप से बड़ी हुई शाखा है उसको काट के अलग कर देते हैं। देखो संधाई की कौन सी विधि काम में लेते हैं, इसमें बहुतना विधि। प्रारंभिक में क्या होता है, देखो एक झाड़ीनुमा पौधा है, ये जो अनार का पौधा है वो एक झाड़ीनुमा पौधा होता है। अनार के पौधे में अपन प्रारंभिक वर्षों में 4 तने रखते हैं। प्रारंभिक वर्षों में क्या करते हैं, 4 तनों को ही बढ़वार करवाते हैं, उसके बाद में 2-3 साल बाद में उसमें 6 तने विकसित कर देते हैं, फिर 8 तने विकसित कर देते हैं, ऐसे झुंड के रूप में होता है वो पूरा, और उसके बाद में उसमें उसको ही अपन बहुतना विधि बोलते हैं, क्योंकि 1 तना नहीं होता, झाड़ीनुमा पौधा होता है, अनार लगते हैं। फिर अगला हेडिंग आता है अपना, इसमें फलन। बाहर लिख लेना आप, फलन से बढ़िया रहेगा बाहर। देखो इसमें जैसे अमरूद की खेती में 3 बहारें होती है, उसी प्रकार अनार में भी 3 बहार होती है। 3 अलग अलग समय फूलों का निर्माण होता है, तीनों ही समय इसमें फलन होता है, मतलब फलों का निर्माण होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी कितनी बहार होती है, 3 बहार। इसको एक सारणी से समझेंगे अपन, एक सारणी बनाते हैं। बहार FT मतलब फ्लावरिंग टाइम, HT मतलब हार्वेस्टिंग टाइम। ठीक है, देखो क्या होगा, पहली बहार है
अंबे बहार, कौन सी बहार है? अंबे बहार, तीन बहार होती है, अंबे बहार, मृग बहार और हस्त बहार, तीन प्रकार की बहारें आती है इसमें। बहार आने का मतलब होता है फूल लगना, अंबे बहार, मृग बहार, हस्त बहार। इनमें अंबे बहार में जो फूल आने का समय है वो है फरवरी मार्च, कौन सा समय है? फरवरी मार्च। देखो अंबे बहार में फूल कब आते हैं? फरवरी मार्च में, फरवरी मार्च में फूल आते हैं। और जो फल बनते हैं वो जून से सितंबर के महीने में, महीने तक पकते हैं। जो फल परिपक्व का समय होता है वो जून से सितंबर का महीना होता है। फिर बात करते हैं मृग बहार की, तो जुलाई अगस्त, जुलाई अगस्त में इसमें फूल आते हैं। मृग बहार जुलाई अगस्त में इसमें फूल आते हैं और दिसंबर से लेके फरवरी तक इसमें फल लगते हैं। दिसंबर से लेके फरवरी तक इसमें फलों का निर्माण होता है, दिसंबर से फरवरी तक फल लगते हैं। अगली है हस्त बहार, अक्टूबर से नवंबर तक इसमें फूलों का निर्माण होता है। एफ टी मतलब फ्लावरिंग टाइम, एच टी मतलब हार्वेस्टिंग टाइम। हार्वेस्ट कब करेंगे? हार्वेस्टिंग मतलब होता है कटाई, कटाई कब करेंगे इनकी, तुड़ाई कब करेंगे? जब उनमें परिपक्व हो जाएगा, जो परिपक्व का समय होगा वही कटाई का समय होगा। मार्च अप्रैल में इसकी तुड़ाई करते हैं अपन, मार्च अप्रैल। ध्यान से समझना, इसमें तीन बहारें होती है, पहली बहार होती है अंबे बहार, दूसरी मृग बहार, तीसरी हस्त बहार। अंबे बहार में क्या होता है कि फरवरी मार्च में इसमें फूल आते हैं और जून से सितंबर तक इसमें फलों का निर्माण होता है। मृग बहार में क्या होता है, जुलाई अगस्त में फूल आते हैं और दिसंबर से फरवरी तक इसमें फलों का निर्माण होता है। हस्त बहार में अक्टूबर नवंबर में इसमें फूल आते हैं और मार्च से लेकर अप्रैल तक इसमें फलों का निर्माण होता है। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें इसके पौध संरक्षण के बारे में, मतलब इसके कीटों, रोगों और कायकीय विकारों के बारे में। देखो इसमें कीट है, हेडिंग लगाएंगे कीट, और कीट में भी पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कीट अनार की तितली, अनार की तितली प्रमुख कीट है। ये पूछा जाए आपको जेट में कि अनार का निम्न में से अनार का प्रमुख कीट है, और अनार के ही दो तीन कीटों के नाम दे दे, उनमें से अपने को छांटना है, तो कौन सा प्रमुख कीट है? ये अनार की तितली प्रमुख कीट है। ये अनार का होता क्या है, इस कीट के जो लार्वा होते हैं, जो लार्वा होते हैं, लटे होती है लार्वा, फलों में घुसकर उन्हें सड़ा देती है। इसके फलों में घुसकर उसे उन्हें सड़ा देती है, इसके लार्वा होता है जो फलों में घुसकर उनको नष्ट कर देता है या खराब कर देता है। नियंत्रण के लिए क्या करें, इसके लिए नियंत्रण के लिए कीटनाशिका में लेंगे कार्बेरिल और क्यूनाल्फोस, कार्बेरिल क्यूनाल्फोस, क्यूनाल्फोस जो द्रव अवस्था में, कार्बेरिल की मात्रा इसमें काम में लेते हैं कितनी, 2 से 3 ग्राम, 2 से 3 ग्राम कार्बेरिल प्रति लीटर पानी में, और 2 ml मात्रा लेते हैं अपन क्यूनाल्फोस की प्रति लीटर पानी में। यदि अपने पास कार्बेरिल है तो 2 से 3 ग्राम कार्बेरिल को 1 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव करेंगे। क्यूनाल्फोस अपने पास में तो 2 ml क्यूनाल्फोस को 1 लीटर पानी में उसका घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। 2 ml का तात्पर्य यह है कि इसका घोल कितने परसेंट का होगा, 0.2% घोल बनेगा, घोल की जो सांद्रता होगी वो 0.2% होगी। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें इसका दूसरा जो कीट है वो है इसका छाल भक्षक कीट। जैसे अपन ने आंवले में पढ़ा था, आम में पढ़ा था, वही छाल भक्षक कीट है, सेम रहेगा। छाल भक्षक कीट करता क्या है, दूसरा कीट है छाल भक्षक, क्या करते हैं ये भी, तने में सुरंगे बनाकर छाल खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे पौधा नष्ट हो जाता है। कंट्रोल क्या करेंगे, नियंत्रण, मैंने बताया था कि जो रुई होती है, रुई के पोहे को पेट्रोल
प्लस पेट्रोल या केरोसिन या क्यूनाल फोस इन सभी से रुई को भिगोया जाता है और जो सुरंगें होती है, जो छेद होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उनके अंदर उसको दवा को डाल दिया जाता है जिससे इसके कीड़ा मर जाता है। ये होता है छाल बक्सा कीट। अब बात करते हैं इसके रोगों की। पहला रोग है पत्ती धब्बा रोग या फल सड़न बोलते हैं जिसको, पत्ती धब्बा रोग और फल सड़न, सॉरी रोग। पहला रोग है पत्ती धब्बा रोग व फल सड़न। पत्ती धब्बा रोग सदैव ध्यान रखना है। ये रोग सर्कोस्पोरा पुनिकी नामक, ये रोग सर्कोस्पोरा पुनिकी नामक, पुनिकी नामक कवक के द्वारा होता है। कौन से कवक से होता है? सर्कोस्पोरा पुनिकी नामक कवक के द्वारा होता है। इस रोग में होता क्या है, पत्ती धब्बा, देखो पत्तियों पर धब्बे बन जाएंगे, पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे, पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे बन जाएंगे जिससे पूरा पौधा सूखने के कगार पर आ जाएगा, सूखा सूखा लगेगा क्योंकि पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे बन गए, पत्तियां सूख जाती है, पूरा पौधा सूख जाता है। नियंत्रण किस प्रकार करते हैं इसका, देखो नियंत्रण किस प्रकार करते हैं। नियंत्रण के लिए दो कवकनाशी, उनमें से कोई सा भी काम में ले सकते हैं अपन। एक होता है टोपसिन एम, एक होता है जाइनेब। टोपसिन एम या जाइनेब दोनों ही कवकनाशी है। टोपसिन एम की 1 ग्राम मात्रा लेंगे, प्रति लीटर पानी में घोलेंगे और उसका छिड़काव कर देंगे। जाइनेब अपने पास में उपलब्ध है तो उसकी 2 ग्राम मात्रा लेंगे, प्रति लीटर पानी में घोलेंगे और उसका छिड़काव कर देंगे। क्लियर। पत्ती धब्बा रोग वह फल सड़न सर्कोस्पोरा पुनिकी नामक कवक के द्वारा फैलता है, पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं। नियंत्रण करेंगे टोपसिन एम की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के साथ घोलकर छिड़काव करेंगे, जाइनेब 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनाकर छिड़काव करेंगे। दूसरा कीट है दूसरा रोग है जीवाणु धब्बा रोग। देखो नाम से पता चल रहा है कि ये रोग किससे होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु धब्बा रोग, बैक्टीरियल स्पॉट डिजीज, जीवाणु धब्बा रोग, बैक्टीरियल स्पॉट डिजीज, जीवाणु धब्बा रोग किसके द्वारा होता है? देखो एक जीवाणु होता है जेंथोमोनास, जीवाणु का नाम है। कौन से जीवाणु के द्वारा होता है? जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस, एक्जेनोपोडिस पीवी का मतलब होता है पेथोवार पुनिकी। जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस पीवी पुनिकी नामक जीवाणु, पुनिकी नामक जीवाणु, देखो बैक्टीरिया द्वारा होता है ये रोग। जेंथोमोनास एक्जेनोपोडिस पीवी पुनिकी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इस रोग में क्या होता है, इसमें पत्तियों पर या जो पौधे के वानस्पतिक भाग है, पौधे के वानस्पतिक भागों पर तेलीय धब्बे हो जाते हैं, तेलीय धब्बे, तेल के जैसे धब्बे हो जाते हैं, तेलीय धब्बे हो जाते हैं, तेल के जैसे किसी चीज पर तेल गिराते हैं और धब्बा बनता है, उस प्रकार तेलीय धब्बे हो जाते हैं। नियंत्रण किस प्रकार करेंगे, दो चीजें काम में लेंगे नियंत्रण में, कॉपरऑक्सीक्लोराइड काम में लेंगे, नियंत्रण कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 3 ग्राम मात्रा ली जाती है प्रति लीटर पानी में घोलते हैं। जीवाणु द्वारा जनित रोग है तो इसके नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक जो दवा आती है उसको 3 ग्राम मात्रा लेंगे, प्रति लीटर पानी में घोलेंगे और उसका छिड़काव कर देंगे। ये इसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन भी काम में ले सकते हैं अपन, स्ट्रेप्टो
साइक्लिन भी काम में ले सकते हैं, इसके दवा का छिड़काव करने से भी इसका नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, ये दो रोग हो गए। पहला रोग था पत्ती धब्बा रोग व फल सड़न, दूसरा है जीवाणु धब्बा रोग। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके काय के विकारों के बारे में। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट काय के विकार है फल का फटना, फ्रूट क्रैकिंग बोलते हैं इंग्लिश में जिसको, फल का फटना। काय के विकार फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, काय के विकार फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। काय के विकार एक होता है इसमें इंपॉर्टेंट, फल फटना, फल का फटना फ्रूट क्रैकिंग। फ्रूट क्रैकिंग देखो किस तत्व की कमी से होता है, बोरोन तत्व की कमी से होता है हमेशा फल का फटना, बोरोन की कमी से। आंवले में अपन ने पढ़ा था पिछले सेशन में कि आंवले में एक एक काय के विकार होता है आंतरिक काला धब्बा रोग। ठीक है, आंतरिक काला धब्बा भी बोरोन की कमी से होता है, और ये जो अपने बात करें अनार में फल फटना फ्रूट क्रैकिंग, वो भी बोरोन तत्व की कमी से होता है। बोरोन तत्व की पूर्ति के लिए क्या करेंगे, बोरेक्स का छिड़काव करेंगे। किसका छिड़काव करेंगे, बोरेक्स का छिड़काव करेंगे। बोरेक्स की जो मात्रा ली जाती है या बोरेक्स का जो घोल लिया जाता है 0.2% घोल लिया जाता है, बोरेक्स का 0.2% घोल का छिड़काव करेंगे। 0.2% घोल का मतलब क्या होता है, 2 ml मात्रा लेंगे 1 लीटर पानी में, जो भी घोल बनेगा उसको क्या बोल देंगे, 0.2% घोल बोल दिया जाता है। क्लियर, ये था फल फटना फ्रूट क्रैकिंग, बोरोन तत्व की कमी से होता है, फल फट जाते हैं। कई बार देखते हैं अपन फल लगता है और जब जैसे ही परिपक्व काल आता है उसका तो वो फट जाता है, तो वो किसकी कमी से होता है, बोरोन तत्व की कमी से। इसके नियंत्रण के लिए अपन बोरेक्स नामक जो उर्वरक आता है मैंने बताया था कि जिसमें बोरोन होती है 0.2% इसका घोल बनाएंगे, 0.2% का मतलब होता है 2 ml मात्रा लेंगे 1 लीटर पानी में घोलेंगे, तो जो घोल बनेगा उसको 0.2% घोल बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसको इसका छिड़काव करने से ये फल फटना जो काय के विकार होता है इसका नियंत्रण हो जाता है। क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी उपज की, उपज कितनी प्राप्त होती है उपज, उसके बाद में बात करेंगे भंडारण। देखो तुड़ाई कब करते हैं, तुड़ाई का सीधा सा ध्यान रखना है कि जब फलों का आकार एक निश्चित आकार हो जाता है, जिस आकार में अनार होना चाहिए उस आकार में अनार हो जाता है, फल का आकार पूरा हो जाता है, पूर्ण विकसित हो जाता है, वो उस टाइम में इसकी तुड़ाई कर लेते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना है एक विशेष बात लिखो कि राजस्थान के लिए सबसे उपयुक्त बाहर कौन सी है, राजस्थान के लिए सबसे उपयुक्त बाहर मैंने बाहर 3 बताई थी, अंबे बाहर, मृग बाहर और हस्त बाहर। सबसे उपयुक्त बाहर कौन सी है, ये क्वेश्चन आता है, तो इसके लिख लेना है मृग बाहर जिसके सर्दियों में फल आते हैं। ठीक है, जुलाई अगस्त का समय उसका फूल आने का समय होता है और सर्दी के समय इसमें फल आते हैं, तो मृग बाहर राजस्थान के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, जेड में आया हुआ है, राजस्थान के लिए सबसे उपयुक्त अनार की बाहर कौन सी है, वो कौन सी है, मृग बाहर में फल कब आते हैं, सर्दियों के दिनों में, और बरसात जुलाई अगस्त का समय जो होता है उस समय इसमें फूलों का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करें अपन इसकी उपज की बात करते हैं, उपज कितनी प्राप्त होती है। देखो उपज में क्या है, 20 से 22 किलो फल प्राप्त होते हैं, 20 से 22 किलो फल प्रति पौधा प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना है कितने फल प्राप्त होते हैं, 20 से 22, 20 से 25 भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है 20 से 22, ये औसत दिया हुआ है, 20 से 22 किलो फल प्रति पौधा प्राप्त होते हैं। इसका भंडारण, लास्ट ट्रेडिंग है इसका, भंडारण किस प्रकार करते हैं। देखो भंडारण के लिए जो तापमान रखा जाता है, तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान रखते हैं, 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान रखते हैं। आर्द्रता जो इसमें रखी जाती है वो लगभग 85% के लगभग आर्द्रता रखी जाती है। इसको भंडारण करने के लिए 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 85% आर्द्रता के साथ 1 से 1.5 मतलब 1.5 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है। भंडारण में क्या लिखेंगे, इसे
भंडारित रखने के लिए 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 85% आर्द्रता के साथ 1 से 1.5 महीने के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। समझ में आ गया? तो ये था अनार की खेती। क्लियर? नेक्स्ट सेशन में अपन नेक्स्ट फ्रूट के बारे में बात करेंगे। इस सेशन में इतना ही। सो थैंक यू।